प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दुनिया में कहीं भी भारतीय नागरिक को अगर कोई समस्या हुई है तो भारत ने आगे बढ़कर उनकी मदद की है। इसमें उन्होंने कोरोना काल और अफगानिस्तान का उदाहरण दिया था। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री के इस बयान की तारीफ की है और इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि यह हमारा संवैधानिक दायित्व तो है कि जो भी व्यक्ति सताया जा रहा हो उसकी सुरक्षा करना चाहिए, वो हिंदू हो या अफगानी हो या कोई और हो। सिब्बल ने कहा कि हमें केवल भारतीय मूल के लोगों को ही वहाँ से नहीं निकालना चाहिए बल्कि उन सभी की मदद करनी चाहिए जो परेशान है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान धर्म और राष्ट्रीयता देखकर लोगों को निशाना नहीं बनाता। अफगानिस्तान में किसी भी मजहब का और कोई भी प्रताड़ित महसूस कर रहा हो उन सभी को भारत लाकर उनकी मदद की जानी चाहिए। भारत का संविधान इस तरह के लोगों की मदद की इजाज़त देता है। उन्होंने अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों को भारत लाने का बेहतर अभियान चलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दुनिया में कहीं भी भारतीय नागरिक को कोई भी समस्या में है, भारत ने पूरी सामर्थ्य के साथ आगे आए, चाहे वो कोरोना काल हो या अफगानिस्तान का संकट हो, दुनिया इसका लगातार अनुभव करती रही है। अफगानिस्तान से हमारे सैकड़ों मित्रों को भारत लाया जा रहा है। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान से सैकड़ों साथियों को भारत लाया जाता है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद वहां के हालात बहुत खराब हो गए हैं। अफगान नागरिक समेत विदेशी लोग भी वहां से निकलने में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।